गाइज आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के बारे में। दोस्तों आपका भी मोबाइल लॉक हो चुका है, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो यहाँ पर आप बनाए हैं और आपने कई सारे हमारे वीडियो को सपोर्ट भी किया है। दोस्तों आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा हो कि इसका लॉक कैसे रिमूव किया जाए। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लॉक होने से कैसे बचना है और आप किस तरीके से आप मतलब कि लॉक से बच सकते हो, मतलब कि आपका कभी लॉक नहीं पड़ेगा, इसके बारे में मैंने बताया था। और कई सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा है कि सर फुल एक डिटेल के साथ एक वीडियो क्रिएट कीजिए, इसको कैसे हटा दें, लॉक को कैसे रिमूव करते हैं। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस लॉक को रिमूव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, लॉक हटने से पहले मैं आपको बता दूँ लॉक क्यों होता है। दोस्तों फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान करके एक मतलब कि फ्लिपकार्ट का एक सेल है और वहाँ से आप कभी भी मोबाइल बाय करते हो तो आपको 70% का पेमेंट पहले पेमेंट करना होता है, उसके बाद 1 ईयर्स कम्प्लीट होने के बाद आपको 30% का पेमेंट पूरा करना पड़ता है, नहीं करने के बाद आपका मोबाइल लॉक हो जाता है। तो इसे कहते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान। ये तो हो गया फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान, लेकिन ये मोबाइल लॉक क्यों किया जाता है? दोस्तों जब आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं होता, इसकी वजह से फ्लिपकार्ट क्या होता है कि फ्लिपकार्ट का जो पेमेंट है EMI आप सेंड नहीं करते, इसकी वजह से वो आपका मोबाइल लॉक होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन कौन सी गलतियाँ कर देते हो, मतलब कि जब आप एक मोबाइल परचेस करते हो तो आपको कौन कौन सी बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आप जब भी एक मोबाइल लेते हो तो आप कभी भी ये गलती मत कीजिए, जो कि मैंने आज तक ये गलतियाँ नहीं की है और कई सारे व्यूअर्स ने ये गलतियाँ की है, तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये गलती मत कीजिएगा। दोस्तों क्या है गलती, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी एक किसी बंदे के पास से एक सेकेंड हैंड मोबाइल परचेस करते हो तब आप बिल लेना ना भूलिएगा, ये तो हो गई सबसे पहली बात। और उसके बाद है क्या होता है कि जब वो बंदे से आप मोबाइल लेते हो तो आपको नहीं पता होता है कि आपका मोबाइल EMI पे है या उसका EMI कंप्लीट पूरा है या नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लीजिए और उसके बाद मोबाइल परचेस कीजिए। जब भी आप एक मोबाइल परचेस करते हो तो उसका जो पेमेंट है, मतलब कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान से तो मोबाइल ख़रीदा नहीं है, ये आप चेक कर लीजिए। उससे ख़रीदा है तो उसका ऑर्डर ID लेना ना भूलिएगा। ऑर्डर ID के बिना और उसके नाम के बिना आप अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों बार बार मुझे एक ही बार कमेंट पूछा जाता है कि सर इस लॉक को रिमूव कैसे किया जाए, इसके बारे में हमारे YouTube पे कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है और आप हमें एक अच्छी तरीके से वीडियो क्रिएट कीजिए और एक वीडियो के थ्रू हमें बता दीजिए कि सर इस लॉक को रिमूव कैसे किया जाता है। दोस्तों मैं बता दूँ यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलने वाला, किसी को ज़्यादातर इसकी नॉलेज नहीं है और मुझे सब कुछ पता है, तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि क्या है प्रोसेस और इस लॉक को कैसे रिमूव किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों बताने से पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उसका रिप्लाई देकर मैं आप चाहे तो एक अलग वीडियो के साथ आपको रिप्लाई देने वाला हूँ। तो आप भी प्रॉब्लम आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट के साथ मुझे ये कहना ना भूलिएगा कि सर इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाए। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको बता देता हूँ कि इस लॉक को कैसे हटाया जाता है। दोस्तों इस लॉक को हटाने के लिए आपको सबसे पहले तो ऑर्डर ID की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डर ID के बिना ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास भी अवेलेबल नहीं है जो कि रिमूव किया जाए। चाहे तो आप कंपनी से बात कर सकते हो, कंपनी का नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, इस तरीके से आपको कंपनी को कॉल करना है और कॉल करने के बाद आप कंपनी को पूरी डिटेल के साथ बताइए कि हमारा मोबाइल नहीं है, हमने लिया था कि नहीं लिया था। आपके पास बिल है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं है तो भी कांटेक्ट कीजिए और उनसे कहिए कि सर हमारे पास तो ऑर्डर ID तो नहीं है और क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इसी से ही कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ज़्यादातर आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है इसे कैसे ठीक किया जाता है। दोस्तों आपके पास ऑर्डर ID है तो आप डेफिनेटली इस लॉक को रिमूव कर सकते हैं। ऑर्डर ID नहीं है तो मुझे भी आज तक ये इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इस लॉक को कैसे रिमूव किया जाए।
दोस्तों कई सारे वीडियो ऐसे हैं कि फेक रिलेटेड बनाते हैं, मतलब कि कई ऐसे लॉक करने के तरीके बताते हैं, अनलॉक करने के तरीके बताते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई अनलॉक करने का तरीका नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं मतलब कि ज़्यादातर यही बताता हूँ कि आप लॉक से कैसे बचेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आपको अनलॉक करना है आपका मोबाइल तो आपके पास ऑर्डर आईडी या बिल होना चाहिए, तो ही आप इसे अनलॉक कर सकते हो। तो कल मुझे एक कॉल आया था कि उन्होंने कहा कि सर हमारा मोबाइल लॉक हो चुका है। वो उन्होंने बताया कि हमने ओएलएक्स पे मोबाइल लिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप कभी ओएलएक्स पे मोबाइल ना खरीदें। जब भी आप किसी बंदे के पास से ओएलएक्स से आप मोबाइल खरीदें तो आप एक बात ध्यान में रखिए, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको बिल लेना बहुत ज़रूरी है। और बिल के साथ में आपको बता दूँ, बिल एक ऐसा कॉपी है, मतलब कि कई लोग क्या करते हैं कि बिल एक अलग तरीके से देते हैं, आपको सही बिल लेना है। और बिल आपको कुछ बिल में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप उनसे पूरी डिटेल ले सकते हो, उनका आधार नंबर ले सकते हो, और लेने के साथ आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना ना भूलेगा। दोस्तों ये करने से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से दोस्तों इस तरीके से लेने से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल और ओएलएक्स पे ज़्यादातर फ्रॉड चल रहा है। और ऐसे ही कई मोबाइल शॉप वाले क्या कर रहे हैं कि सेकेंड हैंड परचेस किए हुए मोबाइल किसी के साथ बेच रहे हैं, उसके बाद फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड प्लान आ रहा है और उनको भी इसका सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता है। तो मुझे तो पता है, उतना मैंने आज तक इस वीडियो में सारे कुछ डिटेल बता दिए। और कई लोग मुझे यही करते कहते हैं कि सर इसके रिलेटेड कई सारे वीडियो क्रिएट कीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि इतने सारे वीडियो क्रिएट करने से मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और आपको जो मिलने वाला है मैं आपको देने वाला हूँ। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी वीडियो क्रिएट किया और आपके साथ शेयर किया, ऐसे मेरी बात नहीं है। दोस्तों आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों YouTube पे आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली जो कि मैं खुद बनाता हूँ। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं एक वीडियो क्रिएट करता हूँ और इसके रिलेटेड मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ कि इस लॉक को रिमूव पूरी डिटेल के साथ कैसे किया जाता है। और साथ में आपके कमेंट का रिप्लाई तो मैं देता हूँ, और चाहे तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने कई सारे मेरे वीडियो में नंबर्स भी दिए हैं, आप उस वीडियो को देख कर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कई सारे मुझे मैसेज आते हैं, उनको मैं जवाब देता हूँ, रिप्लाई देता हूँ।